आखिरकार ससुराली घर जो है जो सितारा ने ख़रीदा था वो उनके नाम होने जा रहा है और उम्मीद हो चुका होगा क्योंकि उनके पिछले व्लॉग आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन ये शायद गुड न्यूज़ थी सितारा की तरफ से और हैप्पी रहो हेल्दी रहो खुश रहो अपना हक लेना चाहिए और आपकी मेहनत के पैसे भी हैं और आपके हक मेहर में भी ये घर लिखा हुआ है मेरे ख्याल में आई थिंक दो रूम है जो हक महर में लिखे हुए हैं वो भी आ, सितारा के हैं बाकी भी सितारा बाकी जो है वो सितारा ने खरीदा है अपने पैसों से तो वो अब इनके नाम होने जा रहा है तो इन्होंने आ, जो है अ को भी तो लेके दिया था ना सितारा ने वो मेरे ख्याल में उनके नाम हो गया है क्योंकि खरीद के दिया था आई थिंक तो पता नहीं अब वो वो हो चुका है या वो उनका भी नाम होना है ये अभी कंफर्म नहीं है लेकिन जो सितारा ने अलग से खरीदा था वो उनके नाम हो चुका है अच्छा जी <coughs> यहाँ पे जो है आ, माँ जी की बात करेंगे माँ जी भी अपना सामान जो है जो वहाँ घर छोड़ के आई थी वो भी लेने गई हैं क्योंकि बाबा जा रहा है सऊदिया और सऊदिया पता नहीं वो कितने महीने रहे कब आए कब ना आए तो माँ जी जो है सितारा ने भेजा कि आप जाएं अपने कपड़े ले कर आए आपने जो जो अपना सामान ज़रूरी हो है वो ले आए और अब आप मेरे पास रहेंगी तो फाइनली आ, सितारा ने कहा ये मेरी <coughs> मेरी मर्जी है और मेरा मशवरा भी है कि मेरी माँ मेरे लिए आई थी तो वो मेरे साथ रहेगी अब मैं वॉक भी करूँगी और मैं घूमू फिरूँगी भी सही तो अम्मी के साथ जाहिर सी बातें उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी है बच्चे भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे भी अकेलापन महसूस नहीं करते रौनक लगी रहती है बड़ों से बड़ी बरकतें होती हैं तो यहाँ पे लोगों ने ना अपने पाँव पे खुद गुल्हाड़ियाँ हैं, हैं और खुद ही अपने रस्ते जुदा किए हैं इन्होंने तो बड़े खुले दिल से अपनाया था सितारा हमेशा अपने ख़ानदान वालों को कहती आई है कि प्लीज़ खुदारा आप लोग रिएक्शनों से दूर रहें और व्लॉगिंग करें हम सारे मिलजुल के व्लॉगिंग करते हैं और मज़ा आएगा और हम आगे से आगे बढ़ेंगे लेकिन यहाँ पे एक दूसरे से आगे की दौड़ में और जेलसी जेलसी बहुत ज़्यादा है कि जैसे कि हम अब बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं नज्जो कहती थी कि ये लोग वहाँ पे रहते हैं मैं भी कराची में रहूँगी क्योंकि इनके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं मेरे भी व्यूज़ ज़्यादा आएंगे फिर वो डीडी जो है वो नज्जो को कहता था इसके व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं ये सितारा से बिल्कुल कट ऑफ हो जाए ये लड़ाइयाँ ये झगड़े कभी सितारा पे इल्ज़ाम कभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते लगाते रिश्तेदार हुए ख़त्म उन्होंने अपने रस्ते सब ने जुदा कर लिए हैं और सितारा ने भी उन्हें अल्लाह हाफिज तकरीबन कह दिया है और शायद आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत सारे लोग अलविदा हो जाए अपनी हरकतों की वजह से यहां पे बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है बहुत ज्यादा गंद हो चुका है सितारा की वजह से जाने वाले जाने जाने वाले लोग जो हैं वो मिस यूज लीडिंग थम गलत गलत अफवाहें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना इन चीज़ों की जद में आ चुके हैं और ये ख़ुद आए हैं ऐसी चीज़ों की जद में आ, <coughs> जैसा कि अभी डीडी ने कंटेंट बनाने के लिए जो है शादी की और उसने ये भी ना सोचा कि मेरी बीवी है बच्चियां हैं रिस्क देने वाली अल्लाह की जात है मेहनत करें हो सकता है कि आप जो शादी करके ये कंटेंट बनाना चाहते हैं लेकिन खैर ये कंटेंट के साथ साथ इनका चस्का भी पूरा हुआ है अक्सर मर्द बाहर मुँह बहुत ज़्यादा मारते हैं तो कभी कभी इस पे नज़र तो कभी उस पे नज़र इस तरह से दौड़ाते रहते हैं तो ये इन लोगों में हिरस होता है और ये लोग किसी के भी नहीं होते आयशा का मैं देख रही थी आयशा भी बोल रही थी कि देखें जी आ, मुझे डीडी कहता होता था ये ख़राब है चलो मैं खराब ख़राब थी लेकिन फ़ातिमा तो ख़राब नहीं थी ना फातिमा <coughs> फातमा अच्छी थी फातमा ने तुम्हारा बड़ा साथ दिया तुम्हारे बच्चे हैं उसमें से बेटियां हैं तो चलो वो तो बहुत अच्छी थी ना तो फिर भी तुमने उसे छोड़ दिया यहाँ पे टॉन्ट मारती हुई वो भी नज़र आई और उसने फैसला किया है कि अब मैं अली को अपने पास लेके आऊंगी अली मेरे पास आना चाहता है मेरी उससे बात हुई है लेकिन डीडी यहाँ बाबर जो है यहाँ पे टोंट मार रहा है कि बच्चा हमारे पास रहेगा तो अब देखें मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि आयशा ने फैसला नहीं करना आयशा फ़ैसला नहीं करती आयशा कंटेंट बनाती है जब भी मिलती है बच्चे को वो उसके क्लिप बना के रख देती है बहुत देर तक वो यूज़ करती रहती है उसको व्यूज़ अच्छे आते हैं पहले भी जब इन सब ने सितारा फ़ैमिली में से सब ने चैनल बनाए थे तो आयशा को कोई भी नहीं जानता था ना आयशा किसी रिश्तेदार को मिलती थी आप लोगों ने देखा होगा ये बंदी पहली बार जाके अपने भाई के घर मिली है पहली बार मिली है डीडी की शादी के बाद मतलब जब इसकी डीडी से शादी थी उसके बाद से जाके अली के होने के बाद फिर इनकी डिवोर्सेज वगैरह हो गई तो फिर इसने शादी कर ली उसने शादी कर ली तो इसके घर वाले इसको नहीं मिलते थे यहाँ पे झोल बड़ा सारा है मैंने सुबह की वीडियो में भी बोला है कि देखें सारे दौड़ लगा चुके हैं जैसे मामा ने बहुत बोला नजमा ने बोला फातमा को लेकिन धड़ल्ले से बोल रहे हैं सारे धड़ल्ले से बोल रहे हैं कि भाई ये जो है इनकी पहले से लव मैरिज थी मतलब लव था और फिर बाद में आयशा को तलाक दिलवाई गई अगर आयशा मजलूम थी ये मैंने सुबह की वीडियो में बोला है अगर आयशा मजलूम थी तो फिर उसके वालिद उसको क्यों नहीं मिलते थे उसकी शादी पे वो शरीक क्यों नहीं थे कि उसकी शादी जो है वो छुपके होनी पड़ी या जो भी आखिर क्यों वजह वजह क्या थी तो कुछ तो झोल था ना जिसकी वजह से बात खराब हुई अच्छा <coughs> यहाँ पे अब आयशा ने डिसीजन लिया है वो कहती है कि मैं अली को लेके जा रही हूँ अगर बहन लेके जाना है तो पक्का वाला फ़ैसला करो अदालत में जाओ उसी टाइम आपको ख़र्चा भी बच्चे का वो जो है दिलवाएंगे और आपको बच्चा भी दे देंगे यहाँ पे हर दूसरे दिन मतलब डीडी और अली और मतलब रिश्तेदारों का नाम यूज़ करके ये भी पीछे नहीं रहना चाहती ये भी आगे बढ़ना चाहती है नजमा की वीडियो प्राइवेट हो चुकी है नजमा ने वीडियो बनाई थी जो कुछ फातिमा की सपोर्ट में थी कुछ फातिमा को ढेर सारे उन्होंने टोंट भी मारे मकाफाते अमल काश तुम मेरी बहन की तलाक ना होने देती काश ये तुम ना करती काश तुम मतलब वो काश काश कर रही थी और पहले उसको हौसला दिया फात्मा को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ अली तुम्हारे साथ रहेगा तुम जो परवरिश कर सकती हो या तुमने जो पाला पोसा है उसकी बहने हैं उस घर में और आप माँ हैं उसकी क्योंकि आपने उसे बड़ा किया है तो आप ही के पास रहेगा आयशा नहीं लेगी लेकिन यहाँ पे आयशा कह रही है मैं लूंगी अच्छा उसके बाद जो है इनकी वीडियो प्राइवेट हो चुकी है नजमा की शबाज ने वीडियो बनाई थी मामू पे मामू को दिखाया आईना और मामू के किरदार पे की बातें जैसे कि उन्होंने बताया किसी को बेटा बनाया हुआ था किसी को बेटी बनाई हुई थी उनके साथ गलत रिलेशन थे कौमे लूत वाले मतलब मर्द के साथ मर्द तो <coughs> ये वाली हरकतें मामा करता रहा है मामा गलत नज़रों से देखता है उसके कहाँ कहाँ करैक्टर थे क्योंकि मामे ने अंत की वीडियो कल बनाई है जैसा कि मैंने बताया कि वो दरबार वाली जो वीडियो बनाई है आ, इसने डीडी ने उसमें आवाज़ें भी औरतों ने लगाई हैं कि मामू नदीम आ चुका है मामू ठीक है ना तो मामू जो बोला गया है तो मामू वहाँ पर था तो मामू को जैसे डी ने कहा डीडी ने ये अपनी बीवी पर वीडियो है यहाँ पे सीधी सीधी मुंह मुँह तो इसका हुआ डीडी का डीडी तुम आयशा को गलत कहने वाले बंदे तुम्हारी अभी तक वीडियोस पड़ी हैं तुम नजमा को बुरा कहते हो आज तुमने जब फातमा के साथ ये हरकत की उससे शादी का मनवा के शादी करके और उसको टीस कर रहे हो और उसको अब उसके किरदार पे बातें कर रहे हो कि इसने भी घर ख़राब किया था तो यहाँ पर डी को क्यों नहीं कोई गलत कह रहा डीडी को क्यों नहीं कोई बुरा कह रहा कि इसकी नज़रों में क्यों नहीं कोई मतलब हया शर्म कि ये अपनी बहन बेटियों कज़नों को अच्छी नज़र से नहीं देखता आम लोगों को पता है यहाँ पे अजगर जो है गज वज के कहता है कि मैं अपनी साली और सुतीली बहन जो हो गई उसको गलत नज़रों से देखता था मैं उसके साथ गलत था यहाँ पे आ, जो है आ, सल्लू हो गया सल्लू ने भी ये बातें की और इसकी बातें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुई नैना के हवाले से उसके बाद ये डीडी आ, आ गया डीडी ने भी ऐसे ही किया कि अपनी बीवी के होते हुए ये अब बहुत सारी अफवाहें फैल गई हैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि <coughs> कि इसने भी ऐसे ही किया सऊदीया जब गया तो अपनी कज़न पे बुरी नज़रें डालना शुरू कर दी और अपनी बीवी तक को छोड़ दिया तो यहाँ पे बात यह है कि इनको तालीम और तरबियत और इन जब माँ बाप कमाने पे लग जाए ना जब मजदूरियों पे लग गए तो बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे उनको उठना बैठना नहीं सिखाएंगे तो नस्लें तबाह हो जाती हैं तो समझदार माइंड और समझदार लड़कियाँ जो होती हैं वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करती हैं ताकि उनकी नस्लें तरक्की करें और आगे परवान चढ़ें लेकिन यहाँ पे तो भाई बेहयाई और बेहयाई के तूफान बर्बाद हो चुके हैं यहाँ पे किसी ने भी तरबियत नहीं की अपने बच्चों की चाहे आप अजगर साहब के देख लें उनकी वालदा भी मेहनत मजदूरी करती थी उसका ध्यान सारा मेहनत मज़दूरी पे था बच्चों पे था नहीं फिर आप बीना को देख लें ये भी मेहनत मज़दूरी इधर उधर काम करती रहती थी इनके मर्द निकम्मे हैं इसलिए औरतों से काम करवाते हैं और बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती जिसकी वजह से नस्लें तबाह हो जाती हैं तो बेहतर यही होता है कि मर्द कमाए औरत बच्चों की तरबियत करे ताकि नस्लें ख़राब ना हो इनके पूरे के पूरे आवे खराब हो चुके हैं पूरे का पूरा आवा जो है वो खराब हो चुका है इनके मर्दों की मेहनत शफफ़त ना करना जुए खेलना और बहुत कुछ बताया जाता है कि ये लोग क्या क्या करते थे ठीक है जी अब यहाँ पे जो है क्या नाम है शुबाज शुबाज जो है उसने भी वीडियो प्राइवेट कर दी क्योंकि वो वाकई नामनासिब भी थी तो इससे बेहतर है कि उसने फातमा ने और सुमेरा ने जो है वो प्राइवेट करवा दी वीडियो और कहा कि हम हम कहाँ जाएंगे हम कहाँ जाएंगे हमारा घर ये खराब करना चाहता है मुझे लगता है दीदी ने धमकियाँ वगैरह दी होंगी वो बहुत बुरे तरीके से पेश आता है भाई बहुत बुरे और ऐसे बंदे के साथ बहुत बुरा होता है जो किसी के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग या हरास करता है या बदनाम करता है पहली बात तो ये इन बहनों को जो है आ, मुकाबला करना चाहिए इन बहनों को आ, जो है स्टैंड uh, लेना चाहिए इतना कमज़ोर भी नहीं पड़ना चाहिए कि कोई बंदा किसी भी तरीके से आपके माइंड के साथ खेले आपके दिल के साथ खेले तो यहाँ पे जो है अपने भाई से उन्होंने जो है ये कथा तालुकी कर दी है रिश्ता तोड़ दिया है शबाज़ ने भी कह दिया है कि मैं भी रिश्ता तोड़ता हूँ मैं भी अब नहीं आप लोगों से मिलूँगा बहुत हो गया मैंने तो कहा था कि मैं अपनी बहन की सपोर्ट में खड़ा हूँ आपके किरदार पे जब नदीम बात करेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगा तो कौन देगा किसी ने भी जवाब नहीं दिया कोई भी नहीं बोला तो मैं अकेला ही आपका भाई हूँ जो आपकी सपोर्ट में बोलूँगा वजह क्या है क्यों रुकवाया फातिमा ने सुमेरा ने अपने बाप को कहलवा के वो वीडियो जो है वहाँ से हटवाई गई लेकिन नजमा ने किसके कहने पे वीडियो हटाई ये भी समझ से बाहर है यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है मामा को मामा का न्यू चैनल है जैसे कि चार हजार घंटा चाहिए होता है चैनल को पहले वॉच टाइम के लिए फिर जाके मोनोटाइज वगैरह होते हैं तो शायद उस बिहाव पे भी ये कंट्रोवर्सी में कूदे हैं लेकिन जो कूदे हैं ये बहुत गलत कूदे हैं और यहाँ पे व्यूज़ तो ये कमा लेंगे लेकिन इज्जत की धजियाँ खुद उड़वा रहे हैं एक लफ्ज बोलेंगे तो दस लफ्ज़ इसके भी निकलेंगे जो कि निकले भी हैं मैं कहती हूँ इस दौर में इस टाइम जितने भी कंट्रोवर्सी आई है और किरदारों पे बातें की गई हैं सबसे घटिया तरीन जो अल्फाज मैंने सुने हैं मामे के किरदार के बारे में यकीन माने बस हो गई बहुत बुरे तरीके से ये बंदा एक्सपोज हुआ है बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है इसके ख़ानदान में जितने भी अफेयर आए हैं उन सबसे घटिया तरीन अफेयर और घटिया तरीन जो हरकतें की हैं वो नदीम ने की हैं ये हुआ है कल एक्सपोज शहबाज़ की वीडियो में जो कि अब प्राइवेट हो चुकी है तो अस्तफिरल्ल अकबर। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला बचाए और हलाल रिस्क कमाने की फरमाए अल्लाह पाक और बुरे कामों से हमें महफूज रखें इसके साथ ही मुझे इजाज़त है मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़